सो हमने अभी तक देखा कि एक कॉनकेव मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। हमने पांच अलग अलग केसेस देखे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के फोकस तक शिफ्ट किया और इमेजेस के नेचर को एनालाइज किया। देन सिक्स्थ केस विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज फाइव केसेस, जो इन पांचों केसेस से बिल्कुल अलग है, वह केस है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे तो रख दिया था, अब क्या फोकस के आगे मैं शिफ्ट नहीं कर सकता? यस आई कैन डू दिस, मैं शिफ्ट और आगे कर सकता हूँ। सो इसलिए मैंने उसको और मिरर के पास खिसकाया। सो इमेज अब फोकस और सॉरी ऑब्जेक्ट अब फोकस और पोल के बीच में आ गया है। सो वह कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेट से दिस इज फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इनके बीच में है। सो ऑब्जेक्ट इज समवेयर हेयर, यहां पे कुछ इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नाउ व्हाट, अब ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इससे अगेन एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर को स्ट्राइक करेगी, और वह किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी? वह रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से वह लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होगी। देन दिस इज पोल, सो जो लाइट रे पोल पे कुछ इस तरह से स्ट्राइक करेगी, जो लाइट रे पोल पे कुछ इस तरह से स्ट्राइक करेगी, वह लाइट रे एग्जैक्टली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से हमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। एंड अगर मैं इनको यहां से देखूंगा, मैं यहां से जब इस लाइट रेस को देखूंगा, सो आई विल सी कि ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है, और जब मैं इन्हें ट्रेस बैक करूंगा, सो यू विल फाइंड जब हम इन्हें ट्रेस बैक करेंगे, सो वी विल फाइंड एन इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बियॉन्ड द मिरर। सो आई विल से इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड मिरर और बिहाइंड मिरर, वॉट एवर, मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। क्या मिरर के पीछे फॉर्म होने वाली इमेज रियल होती है? नहीं, हमने देखा था प्लेन मिरर में भी देखा था, मिरर के पीछे अगर कोई इमेज फॉर्म हो रही है, सो इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। सो इट मींस दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। हम देख सकेंगे कि ये इमेज अगर आप मिरर पे इस तरह से देख रहे हो, आपके सामने ऐसा मिरर रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको एकदम पोल और फोकस के पास में आके देखूं, सो वी विल सी कि एक बड़ा एक इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही मैं मिरर के पीछे देखूंगा मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन शुरू के पांच केसेस में हमने देखा था कि एक रियल इमेज फॉर्म होती थी, मतलब अगर आप वहां पे एक स्क्रीन लगा दो, स्क्रीन मतलब एक कागज, सो यू विल फाइंड कि उस कागज पे आपको इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो वी विल से कि दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। ओके, सो इट मीन्स आपका पेन अगर ऐसा रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट की जगह, सो ये पेन बिल्कुल यहाँ पे कुछ इस तरह से ही दिखेगा, लेकिन बड़ा दिखेगा। ओके, एनलार्ज दिखेगा। सो आई विल से द इमेज इज एनलार्ज, हम देख सकते हैं इमेज बड़ी हो गई, इमेज इज एनलार्ज। एंड वॉट एल्स, हमने देखा था कि एक प्लेन मिरर में अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, सो वह वर्चुअल इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होगी, लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म होगी, एंड इट विल बी इरेक्ट। सो आई विल से इमेजेस इरेक्ट इमेज। ओके, सो इमेज विल बी इरेक्ट। सो यहां पे कोई भी इन्वर्जन नहीं होगा, यहाँ पे कोई वर्टिकली वो इन्वर्ट नहीं होगी, इन्वर्टेड इमेज नहीं होगी। पेन ऐसा है तो वो ऐसा दिखाई नहीं देगा, इट विल लुक लाइक दिस ओनली,
ऐसा रखा है, सो इट विल लुक लाइक दिस ओनली। ओके, सो पीछे मिरर के पीछे, बियॉन्ड मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज वर्चुअल इमेज है एंड एनलार्ज है और इरेक्ट है। सो हमने ये देखा कि अगर एक प्लेन, एक कॉनकेव मिरर के, एक कॉनकेव मिरर के सामने अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, सो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझे अलग अलग तरह की इमेजेस फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। ऐसा हमने प्लेन मिरर में नहीं देखा। प्लेन मिरर में क्या था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, द इमेज विल बी वर्चुअल इमेज, द इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज, और उतनी ही दूरी पे फॉर्म होगी, उसी साइज की फॉर्म होगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ अलग ही केस हो रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर्स कि आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें और आपको ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन और उसके साइज में चेंज आता हुआ दिखाई देगा। सो इसके बहुत अच्छे यूजेस हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये मिरर, इस तरह के मिरर बहुत काम के होते हैं। हमने ये देखा था कि एक कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मीन्स ये लाइट रे को एक जगह पे फोकस करता है, इस तरह को मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। सो अगर ये लाइट रे को एक जगह पे फोकस करता है, सो इट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज। सो नेक्स्ट आफ्टर दिस वी विल स्टडी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कॉनकेव मिरर को किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। हाउ कैन वी यूज दिस कॉनकेव मिरर, अगर इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसमें इतना ब्यूटीफुल मिरर है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग तरह से इमेज फॉर्म करके देता है। सो हाउ कैन वी यूज दिस? सो फर्स्ट यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज, वेरी कॉमन यूज, ये हम डेली लाइफ में देखते हैं। डेली मीन्स डेली, आप हर रोज इस चीज को देखते हो। यूज इन टॉर्च एंड हेडलाइट। यूज्ड इन टॉर्च एंड हेडलाइट, हेडलाइट ऑफ अ कार। एक कार की हेडलाइट में अगर हम देखेंगे तो हमें वहां पे एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ दिखाई देगा। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि वहां कॉनकेव मिरर का वहां यूज क्या है? ओके, सो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप एक नॉर्मल बल्ब जो घर में अपन यूज करते हैं, उस बल्ब को अगर आप जला के देखें तो उससे एक येलो कलर की कुछ लाइट निकलती है। सो येलो कलर की जो लाइट है वह पूरे कमरे में स्प्रेड आउट हो जाती है। लेकिन अगर मैं वही हेडलाइट की बात करूं, सो इन हेडलाइट हम देख सकते हैं कि वहां पे भी एक बल्ब लगा होता है। घर में जो बल्ब है वही का वही बल्ब वहां पे हेडलाइट में भी होता है। लेकिन फिर भी हेडलाइट की जो लाइट है वो फैलती नहीं है, वह एक जगह डायरेक्ट हो जाती है। ऐसा आपने देखा है, हमें लाइट रे बिल्कुल डायरेक्ट होती हुई दिखती है। लेकिन जो घर में अपन बल्ब यूज करते हैं रूम में, उससे जो लाइट निकलती है वो पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किस तरह से मदद करता है? ओके, देखते हैं। मान लेते हैं कि यह एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं, तो फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस जो होंगी वह मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। ऐसा हमने देखा था, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो लाइट रेस टकराने के बाद पैरेलल हो गई थी और इमेज फॉर्म हुई थी कहीं इन्फिनिटी पे, कहीं बहुत दूर। सो उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा होगा। किस तरह से होगा? यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर हमने यहाँ रख दिया, इसके सामने हम एक छोटा सा बल्ब रख देंगे। कुछ इस तरह का हमने एक छोटा सा बल्ब रख दिया। इस बल्ब को अगर हम जलाएं तो नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली हम ये देख सकेंगे कि इसकी जो लाइट है वो चारों तरफ स्प्रेड हो गई। लेकिन अगर मैं इसको इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे रख दूं,
फोकस पे, इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे। सो इससे निकलने वाली लाइट रेस जब भी इस मिरर को टकराएंगी, वह लाइट रेस टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलली निकल जाएंगी, कुछ इस तरह से टकराएगी, देन ये लाइट रे लाइक दिस, यस एंड दिस। सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक बल्ब की रोशनी को, एक छोटे से बल्ब की लाइट को हमने एक कॉनकेव मिरर के थ्रू पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बंच ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर दिया। सो हम देख सकते हैं कि अगर ये लाइट रेज ऐसी है तो इनकी जो इमेज फॉर्म होगी वो एट इंफिनिटी होगी, मतलब ये लाइट रेज बहुत दूर तक जा सकती है। तो गाड़ी की हेडलाइट में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कॉनकेव मिरर इस तरह से लगा होता है, ये आपका जो लाइट का बल्ब है उस बल्ब के पीछे ये कॉनकेव मिरर लगा होता है। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको पीछे एक मिरर दिखाई देगा, एक शाइन करता हुआ, एंड दिस मिरर इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जो बल्ब है वो मिरर के फोकस पे लाए करे, एग्जैक्टली उसके फोकस पे। फोकस पे लाए करने से क्या होगा, ये इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होगी और ये लाइट रे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी। सो हेडलाइट में या टॉर्च में इस तरह के मैकेनिज्म की वजह से लाइट रे एक जगह पे फोकस होती है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होती हुई दिखाई देती है। ये क्या करता है, ये लाइट रे की एनर्जी को स्कैटर होने से बचाता है, स्कैटर होने से बचाता है। इट मींस हम अगर हेडलाइट में इस तरह का मिरर नहीं लगाएंगे तो जो बल्ब है उसकी लाइट रे स्प्रेड हो जाएगी, उसकी लाइट अगर स्प्रेड हुई तो हमें आगे का बहुत दूर तक का दिखाई नहीं देगा, हमें सिर्फ आसपास का दिखाई देगा। ओके, सो इट मींस यहां पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, कॉनकेव मिरर। सिमिलरली टॉर्च में भी यही चीज है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो टॉर्च की लाइट रे स्प्रेड हो जाएगी, वह हमें बहुत दूर तक देखने में मदद नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट इज सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, प्रिवेंट स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब बिखरना, लाइट रेस की स्कैटरिंग को प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमें यहां पे एक जगह पे फोकस होती हुई लाइट रे चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट किस तरह से ये यूज करता है, हमने ये देखा कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे या फोकस के पहले, मींस फोकस और पोल के बीच में रखूं, तो हमेशा उसकी एक एनलार्ज इमेज हमें दिखाई देती है। सो डेंटिस्ट एक छोटा सा कॉनकेव मिरर यूज करता है, वह कुछ इस तरह का दिखता है, दिस इज अ स्मॉल कॉनकेव मिरर, ये एक छोटा सा कॉनकेव मिरर है। अगर मैं इस मिरर के फोकस पे या फोकस से अंदर कोई ऑब्जेक्ट को रखूं, तो हमने देखा कि इसकी एक एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है। सो इसी तरह से अगर डेंटिस्ट इसको किसी के माउथ में इंसर्ट करेगा, सो माउथ में क्या होगा, जो टीथ्स होंगे, जो जॉज होंगे, वो ऑब्वियसली बात है कि मिरर के बहुत ही क्लोज होंगे, क्योंकि अपना माउथ बहुत बड़ा तो नहीं होता, कोई ड्रैगन का या डायनासोर का माउथ तो नहीं है, सो हमारा माउथ छोटा है। सो जैसे ही डेंटिस्ट इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हमारे माउथ में इंसर्ट करेगा, सो वी विल सी कि जो टीथ या जॉ है वो इस ऑब्जेक्ट के, इस मिरर के फोकस पे होंगे या फोकस से अंदर की तरफ ही होंगे, बहुत क्लोज होंगे। सो उससे क्या होगा, उन ऑब्जेक्ट्स की जो टीथ है या फिर जॉज है, इन तरह के ऑब्जेक्ट्स की एक इमेज फॉर्म होगी इस कॉनकेव मिरर में, एंड दैट इमेज विल बी अ एनलार्ज्ड इमेज, वो हमें बड़ी होती हुई दिखाई देगी। सो जो टीथ आपका छोटा सा है उसको वह डेंटिस्ट बड़ा करके देख सकता है। सो इट विल हेल्प डेंटिस्ट टू गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट देने के लिए डेंटिस्ट वो इस तरह का मिरर यूज कर सकता है, क्योंकि आपके माउथ के जो टिथ्स हैं, टिथ या फिर जॉज हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको वह आसानी से देख सकता है। सो व्हाई डेंटिस्ट यूज दिस, टू फॉर्म एनलार्ज्ड
इमेज ऑफ माउथ, माउथ की एक बड़ी इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट इस तरह का एक कॉनकेव मिरर यूज करता है। नेक्स्ट इज, तो हमने ये देखा कि आप अगर तो हमने ये देखा कि अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमेशा हमें एक एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। तो इसी तरह से और मुझे कहाँ जरूरत पड़ सकती है जहां पे मुझे किसी चीज को बड़ा करके देखना हो, फॉर एग्जाम्पल इन शेविंग मिरर्स, शेविंग मिरर या फिर मेकअप तो ऐसे मिरर जिनको शेविंग करने के लिए यूज करते हैं या फिर मेकअप करने के लिए यूज करते हैं, वहां पे हम चाहते हैं कि हमारे फेस की एक बड़ी इमेज हमें दिखाई दे, हमें क्लैरिटी से इमेज दिखाई दे, क्योंकि प्लेन मिरर उस तरह की इमेज फॉर्म नहीं कर सकता। प्लेन मिरर तो सिर्फ उतनी ही इमेज फॉर्म करेगा जितना आपका फेस का साइज है, लेकिन अगर हम बड़ा करके उसे देखना चाहते हैं तो हम उसके लिए कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो जनरली आप ये देखेंगे कि घर में जो शेविंग के लिए मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स अलग होते हैं, लेकिन शेविंग के लिए स्पेसिफिकली मिरर्स आते हैं, वह मिरर्स हमेशा कॉनकेव होते हैं। अगर आप उनको बहुत ही क्लोज, अपने बहुत ही क्लोज लाके देखेंगे, सो यू विल फाइंड कि आपकी एक बड़ी इमेज उसके अंदर फॉर्म होती हुई दिखेगी। एंड सेम विद द मेकअप मिरर्स, सो अगेन वी कैन से इस केस में भी क्या होगा, टू फॉर्म एनलार्ज्ड इमेज ऑफ फेस। तो हम अपने फेस का एक एनलार्ज इमेज देखना चाहते हैं, इसलिए हम वहां पे कॉनकेव मिरर्स को यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज, और हम कहां यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके यूजेज अगर मुझे याद करने हैं, मुझे पता करना है कि इसके यूजेज कहां पे हैं, तो हम सिर्फ अगर इसके जो इमेज फॉर्म होती है उसके नेचर को ढंग से स्टडी करें तो हम ये आसानी से समझ सकेंगे कि कहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फिनिटी से जो लाइट आती है वह लाइट रे फोकस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा एक छोटा सा डॉट, एक हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है डॉट साइज की। सो इसका मतलब अगर सनलाइट को मैं एक कॉनकेव मिरर के ऊपर फोकस करूं, सो इमेज विल बी फॉर्म विद अ डॉट, एक छोटी सी एक डॉट फॉर्म होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, सन की बहुत हैवी एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी उस डॉट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो रही है। इट मीन्स अगर मैं वहां पे एक स्क्रीन रख दूं, एक कागज रख दूं, सो जैसा हमने देखा था जो फोकस है, अगर आप वहां पे कागज रख दो तो कागज पे एक इमेज फॉर्म होगी किसकी, जो लाइट रेस सन से आ रही है, और वह जो इमेज होगी वह बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगी। ब्राइट क्यों होगी, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी एक साथ आके वहां पे मिलती है, सो इट मीन्स वो बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाएगी। सो हम कहते हैं कि अगर इस तरह के पॉइंट पे बहुत ज्यादा देर तक अगर आप कॉनकेव मिरर को लगा के रखो, सो द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग, वो पेपर जलने लगेगा। व्हाई इट इज सो, बिकॉज सन की बहुत सारी एनर्जी उस पॉइंट पे आके मीट हो रही है। इट मीन्स हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए या आग प्रोड्यूस करने के लिए भी हम कॉनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं। सो वी विल से द नेक्स्ट यूज इज इन सोलर ओवन्स। जैसा हमने देखा था कि सोलर कुकर में प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है, प्लेन मिरर वो लाइट रे को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है, उसी तरह से अगर सोलर कुकर जो था बट उसमें इतनी गर्मी पैदा नहीं होती, अगर हमें कुछ ऐसे डिशेस बनानी है जो कि बहुत ज्यादा हीट मांगती हैं बनने के लिए या पकने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे सोलर ओवन्स यूज करेंगे। एंड सोलर ओवन्स में हम क्या करेंगे, हम सन से आने वाली लाइट रेस को एक जगह पे फोकस करेंगे। ओके, सो जैसा हमने शेविंग मिरर्स में लिखा कि टू फॉर्म एनलार्ज इमेज, उसी तरह से सोलर ओवन्स में हम क्या लिख सकते हैं, टू फोकस लाइट एनर्जी एट वन पॉइंट, लाइट की एनर्जी को एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए हम कॉनकेव मिरर्स का उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सोलर कुकर, सॉरी सॉरी सोलर ओवन्स। नेक्स्ट यूज इज
जैसा हमने देखा था कि प्लेन मिरर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, उसी तरह से कॉनकेव मिरर भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत यूज होता है, जिसके कॉमन एग्जाम्पल्स आर टेलीस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ये क्या होते हैं हम इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इतना समझ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर इस टेलीस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी यूज आते हैं। किस तरह से यूज आएंगे ये हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। ओके, सो यू कैन नोट दिस, हमने कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखी, हमने कॉनकेव मिरर की डिफरेंट डिफरेंट यूजेस देखे। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट यू कैन नोट दिस,